I tried so hard to let go, writing poetry and rhymes just to get you off my mind. It's either yes or it's no. I'm not a yo-yo on a string that you flip and twist and swing. I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything you like. अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड। और आपका भाई उमर आज एक बड़ा अहम काम करने निकला है। मैंने कहा चलो तो नवी शेयर करा। यूके मुझे आए तकरीबन 2.5 महीने हो गए हैं, बल्कि 3 महीने ही हो गए हैं। तो गड्डी मेरे को नहीं सीगी, गाड़ी के पैसे मैं जोड़ रहा था तो गाड़ी के पैसे जुड़ गए। और सर्च तो मेरी पिछले 2.5 महीने से जा रही थी कि कौन सी लेनी है। एक भाई से ऑटो ट्रेड है यहाँ पे वेबसाइट, जैसे पाकिस्तान में पाक व्हील है, यूके में ऑटो ट्रेड है। तो ऑटो ट्रेड पे मैंने चेक किया काफ़ी, तो मेरे बजट में 2-3 गाड़ियाँ निकली हैं। और वो जो भाई हैं वो मुझे पाकिस्तानी लगे हैं बात करके, नाम भी उनका यासिर है। तो अभी मैं जा रहा हूँ उनके यार्ड पे, यहाँ से 11 मील दूर है। मेरा जो बजट है वो है 3000, मैक्सिमम 3500 है। ऐसे तो उतने नहीं मैं जा सकता, लेकिन ये है कि वो 3-4 गाड़ियाँ उन्होंने मुझे कही हैं कि आप आके देख लो। मेरी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है जी गाड़ी ऑटोमेटिक होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को मैनुअल कोई नहीं चलनी। और यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ मैनुअल है और आपको बड़ी सस्ती में भी मिल जाती है, मतलब 1500 में आपको गाड़ी मिल जाती है अच्छी वाली। तो ऑटोमेटिक थोड़ी महंगी है, वो लेनी है। उसके बाद कम माइलेज हो, क्योंकि मेरी पाकिस्तान में भी बड़ी जान जाती थी कि गाड़ी का काम निकले ना तो बड़ा काम खराब होता है। तो मेरी कोशिश होगी कि लो माइलेज पे मुझे कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए। और आज ही इंशाल्लाह गाड़ी का डन करना है। यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी महंगी नहीं होती कि बंदा 3 महीने सोचता रहे, 2-3 हज़ार रुपये में आपको गाड़ी मिल जाती है, पाउंड में सॉरी, 1000 रुपये में नहीं। मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, आप 1 साल के लिए गाड़ी यहाँ पे चला सकते हैं। मैंने थ्योरी की तैयारी की थी तो काफ़ी चीज़ों की समझ लग गई है, क्योंकि मैं 2.5-3 महीने से जिसके साथ भी गाड़ी पे बैठता हूँ ना, तो एक ड्राइवर नोटिस करता है कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। रूल यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कैमरे भी बहुत लगे हैं, लेकिन मैं बिस्मिल्लाह करके गाड़ी लेने लगा। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास लाइसेंस है, तुम 8-10 साल पाकिस्तान में चलाते रहे हो तो तुम ले लो गाड़ी, उससे ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। मैं आप थक गया फेरे ला ला के दुकाना दे। तो चलते हैं, ये आ गया मैं ऑटो प्लैनेट पे। अच्छा, गाड़ियों के टैग लगे हुए हैं, चलो ये भी आसानी है कि आपको पता हो तो फिर कैसी लेनी है। आज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे चाहिए ऑटोमेटिक गाड़ी, सबसे ज़रूरी है। उसके बाद छोटा इंजन, मेरी कोशिश है कि मुझे यारिस मिल जाती। पाकिस्तान में विट्स को यहाँ पे यारिस कहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है होंडा और इसकी करोला की। तो यारिस मैंने 3-4 जगहों से देखी है, लेकिन वो बहुत महंगी थी। तो यहाँ पे आया हूँ ऑटो प्लैनेट पे, और कंसिडरेशन में सबसे पहले है ऑटोमेटिक। पाकिस्तान में 8-9 साल से ऑटोमेटिक चला रहा हूँ, ऐसे भी ऑटोमेटिक ही चलावाऊंगा। तो बजट जो है वो 3000 का है, तो चल के देखते हैं। वैसे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है और प्राइस टैग भी हैं, तो बेहतर आपको आइडिया हो जाता है। हाँ, ये चेक करें हज़रात, वो तेरी खैर 5500। ज़रा महंगी है, लेकिन ये मेरे इस तरह से अंदर तो खैर अंदर से तो देखें। यहाँ मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही है कि मैं कलर में आज़ाद हूँ। मतलब मेरा पाकिस्तान में रह के भी बड़ा दिल करता था कि यार कोई और सा कलर ले बंदा, लेकिन क्योंकि मार्केट ही बड़ी गंदी है पाकिस्तान की, जो मार्केट प्रैक्टिस है ना गाड़ियों की, बहुत ही अजीब है। यहाँ पर जो कलर पसंद आ जाए, जो गाड़ी पसंद आ जाए, तो कलर की टेंशन नहीं है, लिहाजा मैं देख सकता हूँ। अभी ये मिनी कूपर देखें कितनी खूबसूरत गाड़ी है। बजट मेरा नहीं है, तो मेरा भाई है बड़ा, हम लोग जाएंगे ना बड़ी ईद पे कुर्बानी का जानवर लेने, तो उसकी जेब में 1.5 लाख रुपया होगा। तो वो जाके सबसे पहले रुकेगा 5 लाख वाली गाड़ी को देख के ना, जिसका जो देखने में पता लग रहा होगा ना कि इस गाय की कीमत 4-5 लाख रुपया है, जेब में 1.5 लाख है, लेकिन जाके पूछ रहे हाँ भाई किन्ने दिए, और जान दे पाए कुछ घट करो। अब 4.5 लाख वाली कम करके वो 1.5 लाख ही तो नहीं ना करने लगा, लिहाजा है गड्डी भी वही है, 5.5 हज़ार दिए, लेकिन चलो देख लेने हैं कोई गल नहीं। तो ये मैं कह रहा था बंदा स्कॉटलैंड या जाता है ना उधर लेक डिस्ट्रिक्ट वाली साइड पे, तो कन्वर्टेबल गाड़ी है इसकी, बंदा छत पीछे कर दे तो वाह 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 सुभान अल्लाह। अंदर से तो बहुत फिट है ये गाड़ी, इसकी माइलेज भी भाई बता रहे थे कि कम है। वाह, बह के देखने।
आखिरी भाई ये मेरे लिए इतनी प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन छत बढ़िया आ रही है। बंदा जाए ना अगर स्कॉटलैंड वगैरह टूर करने तो इसकी छत हटा दे पूरे ही मिल वाले तिरंगिया ले जाए वाला चीज यार वापस। ये गाड़ी मेरे लिए उतनी प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि पीछे जगह कम है और वैसे भी जो डिग्गी है उसमें नोफिल की पुश चेयर नहीं आएगी, तो वैसे तो बड़ा दिल कर रहा है कि थोड़े से पैसे बंदा हो इकट्ठे कर ले और ये गाड़ी ले ले, लेकिन इनिशियली तो मुझे क्योंकि फैमिली सपोर्ट चाहिए अपने, मुझे मज़े नहीं लेने, तो फिर कभी सही। फोर्ड स्कोडा होंडा वे होंडा भी लगी इंसान 3500 1700 ये लाजमी ऑटोमेटिक होगी, ऑटोमेटिक नहीं होगी 2200 रात ऑडी भी लगी हुई है 2250 ये मैनुअल है वॉकफॉल आई थिंक माइक्रा ये गाड़ी मुझे यासिर भाई ने सजेस्ट की थी कि लो माइलेज है। मैंने उनको बताया था कि यार ज़्यादा काम शाम जिसका ना निकले, हालांकि बजट मेरे पास 3000 था, मैंने इसको 3500 किया, तो उन्होंने कहा कि ये गाड़ी ना लो माइलेज है, तो ऑब्वियसली जो गाड़ी लो माइलेज होगी चांसेस तो यही है कि वो कम काम निकालेगी। सीटें तो ठीक हैं लेकिन इसकी डिग्गी चेक करता हूँ, इसको क्या कहते हैं, नहीं इसमें हमारी पुश्चर नहीं आने लगी, की साफ लगना चाहिए। इसका कलर बहुत प्यारा है और इसकी गाड़ी है ना जो मुझे लग साफ सुथरी रही है, इन्हू भी चेक कर लेने हैं। 4000 ये कोई 500 मेरे से मेरे बजट से ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी जी डिस्काउंट भी लगाएंगे। इसकी सीटें शीटें अच्छी हैं नहीं हैं और माइलेज इसकी है 1,00,000, लेकिन अच्छी है, किसी ने रखी हुई चलाई हुई, ड्राइवर पे भी तो डिपेंड करता है ना। इसकी डिग्गी भी बहुत बड़ी है, इसकी डिग्गी भी बड़ी है। मैंने भाई से पूछा है इस गाड़ी के बारे में तो वो कह रहे हैं इसकी जो है ना वो पैनोरामिक रूफ है, तो मतलब जो मिनी कूपर में मेरा दिल आ रहा था ना उसके आधे मजे तो ये गाड़ी भी दे देगी। इसको चेक करते हैं क्या सीन है इसका, बल्कि अच्छा है। नौफिल साहब बाहर निकलने तो पंगे नहीं लेंगे, इसके ऊपर शीशा लगा हुआ है, पैनोरामिक है तो ऐसे ही ठीक है, ये भी सही है। और वैसे भी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हवा बड़ी तेज चलती है तो पीछे करके ठंड ना लग जाए, तो गाड़ी हजरात अंदर से साफ सुथरी है माशाल्लाह, ड्राइव भी अच्छी है मैंने करके देखी है और पैनोरामिक वाला निज़ाम भी है। बस इंजन देख लेते हैं और उनसे रिव्यू भी लेते हैं इस गाड़ी के बारे में और फिर कीमत की गल भी करने के पाए कोई साफ था ब्लाउज साढ़े साथ। यासिर भाई से भी इसका रिव्यू ले लेते हैं और घर भी इसकी तस्वीरें मैंने खींच के भेजी हैं बेगम को भी और पाकिस्तान भी के दसों में नया गड्डी किसी कैसी है। मेरे बजट से 500 ज़्यादा है लेकिन चलें 250 तो मैं डिस्काउंट भी लगाऊँ ना कलो नहीं हो, इसका कलर भी अच्छा है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर है, क्या खूबसूरत गाड़ी है। ये ऑटोमेटिक नहीं है, अदरवाइज़ मैं अगर इसकी रिपोर्ट मुझे अच्छी मिलती ना तो ये मैंने डन कर देनी थी, मुझे बहुत प्यारा लगा इसका कलर। फोर्ड की है और कीमत भी बिल्कुल ठीक है 2500। अच्छा ये गाड़ी जो है ना वो भी हमने कंसीडर की है क्योंकि फैमिली कार है, ऑटोमेटिक है, लॉन्ग MOT है और बजट भी तकरीबन अच्छा है इसका, मेरा 3000 तक का है बजट, तो ये कार कंसीडर की जा सकती है। साफ लग रही है देखने में भी, अंदरों चेक कर लेने हैं। ऑटोमेटिक मैं आपको बताया था सबसे पहली जो है वो ज़रूरत ऑटोमेटिक है।
कोई, ये तो 2 लीटर है, गाड़ी वैसे अच्छी है, साफ सुथरी है जी। आसिर भाई क्या हुक्म है हमारे लिए, क्या सजेशन है? उमर साहब, सजेशन आपके लिए ये है कि आप अभी पाकिस्तान से आए हैं, तो ये है कि आपको बहुत ज्यादा कोई हाई फाई गाड़ी की तरफ नहीं जाना चाहिए, आप ना अपनी प्रैक्टिकलिटी को देखें। मेरे को वैसे पैसे भी नहीं गए हाई फाई गाड़ी में। नहीं, वो ठीक है, आपको आपके ये कि आपकी प्राइस रेंज जो आप कह रहे हैं तकरीबन 4,000 पाउंड, उसमें आपको मुनासिब गाड़ी मिल जाएगी। 3 बड़ी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे रोड पे, वो एक है गाड़ी की वैलिड MOT, वो आप गाड़ी हमसे लें या कहीं और से लें, आपको गाड़ी की उसकी MOT और उसकी MOT हिस्ट्री चेक करनी चाहिए। आपने जब गाड़ी आप देख रहे हैं तो आपने उसमें ये देखना है कि गाड़ी की जो इंश्योरेंस है वो आपको उसमें कितनी पड़ रही है, ठीक है। और दूसरी, अब खैर तीसरी बात जो है वो है रोड टैक्स। रोड टैक्स का कोई इशू नहीं है, वो तो आप जो भी गाड़ी करें लेंगे तो मतलब मुझे 1.2 तक जाना चाहिए या 1.4 तक। अगर आप मैनुअली चलाते तो फिर तो 1.2 में भी बड़ी आराम से मिल जाती थी। जो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है ना, वो थोड़ा ये है कि 1.4 कई दफा 1.6 तक भी चल जाएगा आपका काम, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ियां रिलेटिवली मैनुअल गाड़ियों की निस्बत मार्केट में कम होती हैं। तो यार इसका यहाँ पे भी आप बता रहे थे काल पड़ा हुआ है। काल तो नहीं पड़ा हुआ, यारिस बहुत ज्यादा है यूके में और मार्केट में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये कि हमारे जो देसी कस्टमर होते हैं उनको यारिस जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है, जो भी आता है इंडिया से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान में तो इसको विट्स कहते हैं ना। हाँ, पाकिस्तान में इसको विट्स कहते हैं, यहाँ पे यारिस कहते हैं। अच्छा, एक बात ये सच भी है, ये बहुत रिलायबल गाड़ी है, स्ट्रॉन्ग तगड़ी गाड़ी है, इसीलिए हमारे रोडों की पाकिस्तान में भी ये मार खा जाती है। हाँ उमर, लेकिन एक बात मैं आपको ये समझा दूं, अपने जहन में ना ये बिठा लें ये चीज कि यहाँ पे जो पुरानी गाड़ियां होती है ना, वो एक एसेट कंसिडर नहीं होती। पाकिस्तान में तो आप सोचते हैं ना कि यार आपने गाड़ी ली है, वो 4 साल बाद भी बेचेंगे, कई दफा जितने की ली थी उससे ज्यादा महंगी में बिक जाती है। हाँ, मैं अपनी अभी विट्स बेच के आया हूँ। हाँ, मैंने 13 लाख की ली थी और 18 लाख की बेच के आया हूँ। हाँ, उसमें एक तो ये कि हमारा रुपया भी डीवैल्यू होता है, दूसरी बात यह है कि गाड़ियां अपनी वैल्यू होल्ड करती है। यूके में ऐसा नहीं है, यूके में वक्त के साथ साथ अब गाड़ी जो है ना वो बहुत जल्दी अपनी वैल्यू लूज करती है, और यहाँ पे गाड़ियां हैं भी सस्ती। अब देखे ना आप, 3-4 हजार पाउंड की रेंज में आपको एक मुनासिब गाड़ी मिल रही है, 3-4 हजार पाउंड पाकिस्तान का, इवन इतने डी वैल्यू होने के बाद भी 13-14 लाख रुपया बनता है। तो आप 13-14 लाख में आपको पाकिस्तान में तो कोई प्रेजेंटेबल गाड़ी नहीं मिलेगी, मेरा ख्याल बहुत मुश्किल हो अगर मिले। देखें, अगर आप 3-4 हजार पाउंड की गाड़ी लेते हैं और आपका ये 2 साल आपको अच्छा यूज दे देती है, तो आपके पैसे तो पूरे हो गए हैं ना। तो आपने इसको ऐसे देखना। ठीक ठीक। तो अभी मुझे यहाँ पे एक गाड़ी पसंद आ रही है पर्जो। हाँ, पाकिस्तान में भी वो आना शुरू हो गई है बड़ी। हाँ, हाँ, तो वो है तो बड़ी अच्छी, तो मेरा तो उसकी तरफ जा रहा है, बजट भी मेरी उस रेंज पे बन रही है, तो होंडा की निस्बत या क्रोला की निस्बत वो कैसी रहेगी कंपैरिजन में? देखो, वो जो पर्जो आपको पसंद आई है वो बहुत साफ गाड़ी है, एक ओनर है उसका, पहले उसकी सर्विस हिस्ट्री है पूरी, सारा कुछ है, 100,000 चल गई हुई है, लेकिन उसकी ये कि गाड़ी बहुत जबरदस्त है, पैनोरामिक सनरूफ है, उसका बूट भी अच्छी साइज का है और साफ सुथरी गाड़ी है, कोई स्क्रैचेस वगैरह कोई ऐसे वो भी नहीं है। बहरहाल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इतनी मजबूत गाड़ियां नहीं होती जितनी जापानीज टोयोटा होंडा निसान वगैरह होती हैं, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ये गाड़ी जो है इन पर्टिकुलर ये अच्छी गाड़ी है, तो इट शुड डू यू वेल। चलो, मैं इसी को कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि घर वालों को भी यही पसंद आ रही है। अच्छा, और दूसरा ये है कि मुझे आपने ना इसकी इंश्योरेंस, रोड टैक्स, MOT सारा आपने करके देना, मुझे भी 2 महीने में यहाँ पे आए। ठीक है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड टैक्स तो देखे 2 मिनट लगते हैं ऑनलाइन, वो मैं आपको भी कर दूंगा। अच्छा, मुझे तो पाकिस्तान की आदत है। इंश्योरेंस का मैं ये की मैं आपके साथ बैठ के तो आपको मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि आप ऑनलाइन कैसे इंश्योरेंस ढूंढे और उसमें क्या क्या करना है, तो वो भी कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने यहाँ पे पार्ट एक्सचेंज की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा देखी है कि मतलब आप अपनी गाड़ी दें और उनसे गाड़ी ले लें और थोड़े से पैसे दे दें। पाकिस्तान में ये काम उतना नहीं होता, मैं तो तक मल्टीफॉर्म से गद्दे ही सुने हैं कि पुराना गद्दा दें और नया ले जाएं, तो पार्ट एक्सचेंज बड़ी जबरदस्त चीज है। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ले ली है, इंश्योरेंस भी हो गई और रोड टैक्स भी हो गया, और जो इसकी MOT है वो तो सितंबर तक हुई हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट जो इसका चेक होता है वो हो गया, और देखें कि आधे घंटे में सारे काम हुए हैं कि वहीं पे बैठे बैठे मोबाइल पे सारा कुछ हो गया है, और जो ऑनरशिप है गाड़ी की वो 10 दिन में मेरे घर पहुंच जाएगी। गड्डी लेना एडा आसान काम है, किधरे जाना नहीं पाया,
वाह जी वाह। अब ऐसा है कि सीट बेल्ट ला लिए तो अभी तो यहाँ से मेरा घर है 12 माइल, ये कोई 16 किलोमीटर बनता है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के चलते हैं और फिर इसको टाके टुकी मार के इसको थोड़ा लिचकाते हैं। Tried so hard to let go, writing poetry and rhymes just to get you off my mind. It's either yes or it's no. I'm not a yo-yo on a string that you flip and twist and swing. I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. अच्छा, पाकिस्तान में तो आपने देखा ना, एक पूरी फौज होती है फ्यूल डालने के लिए, इवन कि मिकी माउस भी खड़े किए होते हैं उन्होंने। यहाँ पे भाईजान अपना काम खुद ही है। अच्छा, ये जो दही है ना, ग्रीक नेचुरल योगर्ट क्रीमी, बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब कि मैं खाना अगर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ ना, तो दही मुझे उस तरह से नहीं प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ये जो है ना दही, ये कमाल मिल गया। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज तक ये जितना सामान था सारा मैं चौके लेके जाना था या नौफिल दी बगीच पुश चेयर में, तो अब अलहमदुल्लाह गड्डी लेके चला हूँ। फिर जी अलहमदुल्लाह गड्डी ने मैं धो भी लिया, पेट्रोल भी भरा लिया, तो एक दो दिन मैंने वेट करना है कि कुछ लान ना पहुँच जाए घर में। वैसे तो मैं गाड़ी पाकिस्तान में इतनी तेज़ नहीं चलाता था और कोशिश की है कि रूल्स को अडेयर करूं, क्योंकि इतने माफ़ी नहीं, इतने भरा फोन नहीं करा सकते कि पाना गाल करना, तो ये बड़ा मसला है। पाकिस्तानी आदत ख़राब ने, तो रूल्स को देखना पड़ेगा हमें। और इंशाल्लाह यूके में अब आवारा गर्दी जो है वो असल शुरू होगी, और फोटोग्राफी का जो मेरा बिजनेस है उसमें मैंने अब कोई, मुझे एबरडीन और हल वाली न्यू कैसल वाली साइट पे भी कोई बुकिंग आई तो मैं पहुंच जाना है, इसी बहाने में यूके को भी एक्सप्लोर कर लूँगा। बाकी कोई बुकिंग हो फोटोग्राफी तो मुझे दसना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस गाड़ी के बारे में कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।